संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से आगे निकल जाना। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। ब्रह्मांड में कोई भी शक्ति किसी भी व्यक्ति को उस चीज को हासिल करने से नहीं रोक सकती है जिसका वह वास्तव में हकदार है। उसकी प्रबल इच्छा शक्ति के सामने हर चीज को सिर झुकाना पड़ेगा, क्योंकि वह सीधे भगवान से आती है। एक शुद्ध और शक्तिशाली संकल्प सर्वशक्तिमान है। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, बल्कि उसे खुद बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की तुम्हें रक्षा करनी पड़ती है, मगर ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। हम सत्य को हजार अलग अलग तरीकों और शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं, फिर भी हर तरीका सत्य होगा, क्योंकि सत्य तो एक ही है। दिन रात अपने मस्तिष्क को उच्च कोटि के विचारों से भरो। जो फल प्राप्त होगा वह निश्चित ही अनोखा होगा। कामयाबी कभी ये नहीं कहती कि किसी दूसरे के ऊपर पैर रखकर आगे बढ़ो। कामयाबी सबका साथ मांगती है। जब तक जीना है तब तक सीखना है। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। सभी कमजोरी सभी बंधन मात्र कल्पना है। कमजोर न पड़े, मजबूती के साथ खड़े हो जाओ, शक्तिशाली बनो। मैं जानता हूं कि सभी धर्म यही है। सभी कमजोर नहीं पड़े, आप अपने आप को शक्तिशाली बनाओ। आपके भीतर अनंत शक्ति है। सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चा होना। स्वयं पर विश्वास करो। बेखबर ही तो हेतु। अब तक खुद की ताकत से वरना जमाने को झुकाने की ताकत तो तुझ में भी है। उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। सत्य को हजार तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य ही होगा। प्रसन्नता एक अनमोल खजाना है। छोटी छोटी बातों पर उसे लूटने ना दें। जब तक जीना तब तक सीखना। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। सत्य की
कोई परीक्षा नहीं होती, सत्य अक्सर सहज ही होने से दूर होता है। जीतने वाले किसी अवसर का इंतजार नहीं करते, वे जीत के अवसर बनाते हैं। यदि आप भगवान को अपने भीतर और दूसरे जीवों में नहीं देख सकते, तो आप भगवान को नहीं पा सकते। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। संगति आपको ऊंचा उठा भी सकती है और यह आपको ऊंचाई से गिरा भी सकती है, इसलिए संगति अच्छे लोगों से करें। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। जो तुम सोचते हो वो बन जाओगे। यदि तुम खुद को कमजोर सोचते हो तो तुम कमजोर हो जाओगे। अगर खुद को ताकतवर सोचते हो तो तुम ताकतवर हो जाओगे। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। जो तुम सोचते हो वो हो जाओगे। यदि तुम खुद को कमजोर सोचते हो तुम कमजोर हो जाओगे। अगर खुद को ताकतवर सोचते हो तो तुम ताकतवर हो जाओगे। एक समय में एक ही काम करो। ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक कि तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो।